हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस वाइफ सोनिया ब्लॉग। और मैं हूँ सोनिया और आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी थोड़ी सी, मतलब पूरी तो नहीं बोलूंगी बट हाँ, काफी सारी ग्रोसरी शॉपिंग। और पूरी इसलिए नहीं क्योंकि काफी कुछ पड़ा था अभी डब्बों में, जैसे कि ये दाल पड़ी है और जो इस महीने की लेके आने थी। पूरी तो कभी भी नहीं हो पाती, बहुत कम होता है कि सब कुछ खत्म हो। हर किसी के घर में कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है और ऐसे थोड़ा बहुत सामान पड़ा था वो मैंने छोड़ दिया है, जो लाने वाला था वो ले आई हूँ। तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके की मैं, मतलब जो हर महीने की शॉपिंग होती है, क्या खत्म होता है तो क्या कब लेके आती हूँ वो शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही इस टाइम जो मेरा सामान आया कुछ ज्यादा आया है और टाइम से, क्योंकि तो मानसून पीरियड में भी यही होता है कि थोड़ा कम राशन लेके आओ तो ज्यादा ही अच्छी बात है, क्योंकि इसके टाइम में ही ना दालें खराब होने का चांसेस रहती है, सील जाने के चांसेस रहती है। आप जितनी मर्जी एयरटाइट डब्बे में रख लो, क्योंकि हम जब खाना बनाते हैं तो इसको खोलते हैं और उतनी देर में ही बहुत अच्छी सीलन चली जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब लेके आना ही है तो चीज खराब क्यों करनी है। और सबसे मेन मोटिव है मेरे इस ब्लॉग का कि कभी भी कोई भी अन्न हो, चाहे वो कच्चा हो या पका हो, बर्बाद नहीं जाना चाहिए। तो इसी हिसाब से मैं करती हूँ शॉपिंग कि ये ना हो एक्स्ट्रा बर्बाद लिया जाए और फिर उसके अंदर घुन लगे या खराब हो जाए, सिल जाए। ज्यादातर मेरी शॉपिंग उस टाइप की होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ऑलमोस्ट सभी दालें अपने घर में लेके आऊं, बच्चों को सभी दालें बना के दूं। और मैं अपने घर की बता रही हूँ, सबका अपने घर का अपना हिसाब होता है। कई घरों में बच्चे हस्बैंड वगैरह कोई चीजें नहीं खाते हैं तो वो चीजें नहीं आती है, लेकिन मेरी एक कोशिश रहती है जो चीजें नहीं भी खाते हैं बच्चे उनको भी थोड़ा सा बनाओ, क्योंकि उसकी चीजें भी बच्चों को प्रोटीन वगैरह जो भी है उसके अंदर वो मिले। तो जो चीजें हम लोग ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में ले ली है, जो चीज हम कम खाते हैं वो कम क्वांटिटी में ले ली है। और जो चीजें मेरे पास पड़ी थी वो मैंने इस बार परचेज नहीं किया, उसको मैं पूरा खत्म करने के बाद फिर इसे रखूंगी। वो पैकेट मैंने लिया लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च हमारे घर ज्यादा यूज होती है और ये काफी अच्छी है, तो इसके मैंने दो पैकेट लिए। और धनिया का एक पैकेट लिया है क्योंकि एक पैकेट मेरे पास पहले ही पड़ा है, तो ये मेरा इनफ है इस टाइम के लिए। किचन किंग मेरे घर काफी लगता है तो ये एक पैकेट मेरा पूरा वन मंथ चलता है, काफी सारी चीजों में यूज होता है तो ये मैंने एक पैकेट पूरा ले लिया है। हल्दी पाउडर 100 ग्राम का है, ये भी मैंने एक पैकेट लिया है, ये मेरा पूरा एक महीने से ऊपर चल जाएगा और इनफ है पूरा, तो ये लिया है। गरम मसाला मैंने लूज लिया है, इसके अंदर गरम मसाला आप ये देख सकते हो और ये काफी अच्छा होता है। पिछली बार मैं एमडीएच का लेके आई थी, मतलब एमडीएच वाला लेके आई थी, वो भी अच्छा था बट इस बार मुझे खुला मिल गया और ये भी काफी अच्छा है, तो मैंने कहा इस बार आप खुला ही दे दो मुझे और थोड़ा एमडीएच का पड़ा उसमें मिक्स कर दूंगी ये। मसालों में तो ये हो गया है मेरा जो डब्बों में लेके आना था। फिर मुझे कुछ चाहिए थे खड़े मसाले, जैसे कि मेरे घर ये दालचीनी है तो ये खत्म हो गई थी, और चाय वगैरह में अभी काफी यूज हो रही है क्योंकि अभी कोरोना टाइम है, तो जितनी मसाले वाली चाय पी जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, तो चावलों में सब में यूज होती है, तो ये मेरी खत्म हो गई थी और ये 20 रुपए की है बस। ये सब चीजें मैं बहुत ज्यादा नहीं लेती हूँ, मुझे पता है 20 रुपए की मेरी काफी टाइम निकल जाएगी। ये देखिए, ये लौंग है, ये भी 20 रुपए के लिए थे मैंने और इसमें भी थोड़े से पड़े, मतलब अभी मेरे पास इतने पड़े हूँ है, लेकिन अब अगले महीने जाऊंगी तो इसलिए मैंने अभी ले लिया था। और इसके अंदर है मोटी इलायची, ये भी 20 रुपए की है, अगर मैं इधर लेने जाऊंगी तो गिन के देते हैं 10 या 5 इलायची देते हैं 20 रुपए की, और वहां पे देख लीजिए आप कितनी सारी मिली है मुझे। और ये भी चाय वगैरह में चावलों में डालनी पड़ती है तो ये खत्म हो गई थी काफी। जीरा खुला नहीं था इस बार उनके पास तो मैंने पैकेट का ही ले लिया, सेम प्राइस है, जीरा भी सही है और ये मैंने यूज किया हुआ है, तो ये दो पैकेट लिए क्योंकि जीरा काफी लगता है मेरे घर। 100-100 ग्राम के दो पैकेट है, 200 ग्राम लिया है मैंने। ये मैंने लिए हैं दद्दस वाले साबुन डेटोल के, ये मैंने 5 लिए हैं कर रही हूँ, और दद्दस वाले इसलिए लेती हूँ क्योंकि जो मेरा बाथरूम है उसमें टॉयलेट कम्बाइंड है, नहाते हुए ना और हिंदी टॉयलेट है तो गिर जाता है कई बार, स्लिप कर जाता है, तो बड़े वाले लो ना तो वो सीधा कई बार नए गिर जाते हैं ना, बहुत दुख लगता है। तो ये दद्दस वाले में ये बेनिफिट है, एक तो ये फालतू का गलता नहीं है जल्दी से, और बड़े वाला जैसे काफी टाइम यूज करना होता तो गलना शुरू हो जाता है, और अगर गिर भी जाए तो सीधा एक बड़े वाला गिरता है तो बहुत दुख होता है। अब छोटे वाले में 10 रुपए की चीज गई है ना तो कम दुख होता है। तो ये है, ये 5 थे, 2 मैंने बाथरूम में रख दिए हैं। कपड़े धोने के लिए मैंने लिया ये वाला साबुन, ये 3 की बट्टी आती है, पूरा महीना मेरे घर चल जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट मैं इसमें
मशीन में डालती हूँ। एक बार में मैं आधी आधी इसकी डाल देती हूँ, मतलब इसकी 6 बटियां हो जाती है, और सर्फ के साथ डाल देती हूँ। इससे मुझे बार बार एक तो सर्फ नहीं डालना पड़ता है और साथ में इससे कपड़ों की शाइनिंग नहीं जाती है। और आधी पट्टी में रख लेती हूँ अपने बाथरूम के अंदर, जैसे अंडरगारमेंट्स या नहाते हुए कुछ और धोना है उसके लिए। कुछ वाला किसान टोमेटो केचप लेके आ रही हूँ, और ये काफी अच्छा है बॉटल रखने की, फ्रिज में ज्यादा घेर नहीं होती, जितना कम होता जाता है स्पेस कम लेता रहता है। 50 रुपए इसकी MRP है, मुझे ये 42 रुपीज का पड़ा है 42 रुपए का। ये लोबिया है, और सारा सामान मैं खुला ही लेती हूँ, आप ये देख लो, और काफी साफ सुथरा होता है, कोई इसके अंदर गंद नहीं होता है, काफी फ्रेश होता है। और ये 250 ग्राम लिया है, एक टाइम मुझे बनाना होता है महीने में, तो इनफ होता है मेरे लिए, क्योंकि राजमा वगैरह सब कुछ बनती है, सब्जियां भी बनती है, तो ये एक टाइम के लिए इनफ है। ये हो गया, इसमें से मैं थोड़ी सी मतलब एक मुट्ठी अलग कर दूंगी, और थोड़े से राजमा ले लूंगी, चने की दाल ले लूंगी, तो वो सारा मिक्स करके बनाने के लिए हो जाता है। ये है केसारी की दाल, ये मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, वहां पे एक लेडीज ले रही थी तो उन्होंने बताया था कि ये काफी अच्छी और हेल्दी होती है। ये मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, और जो दुकान वाले अंकल थे उन्होंने बताया कि इसके पकौड़ियां बहुत अच्छी बनती है, तो मैं एक टाइम की इसकी दाल बना लूंगी और एक टाइम की मैं इसकी पकौड़ियां बना लूंगी। और ये मसूर की दाल है, और ये दली हुई टूटी एकदम बारीक वाली है, और वैसे मैं ये मिक्स करवा के लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये अलग अलग लिए, मूंग की दाल और इसकी दाल। ये मूंग की दाल है, ये भी 250 ग्राम ली है, मतलब 250 ग्राम ये और 250 ग्राम ये। माँ की दाल भी मैंने 250 ग्राम ली है उड़द की, और थोड़ी सी मेरे पास पहले की पड़ी है, तो उसे खत्म करने के बाद इसे डालूंगी डिब्बे में। और ये है साबुत मसर, ये देखिए, ये दाल भी काफी टेस्टी बनती है तड़के वाली, तो ये लिए। ये भी मैंने 250 ग्राम लिए, वैसे मुझे ये आधा किलो चाहिए थी, लेकिन इसमें दो वैरायटी आती है, एक आती है बारीक वाली जो कि ये है, और एक आती है बड़ी वाली, तो बारीक वाली उनको निकालनी थी अभी गोदाम से, तो उन्होंने कहा कि अभी इतनी है ले जाओ, मैंने कहा चलो इतनी ही दे दो आप। अभी राजमा अभी मैंने कल ही बनाए हैं, तो इस महीने के लिए ये एक बार के लिए इनफ है 250 ग्राम। और ये मेरे दो बार राजमा बनेंगे, एक बार तो टोटल राजमा बनेंगे, और एक बार मैं थोड़े से निकाल के मां राजमा मतलब काली वाली दाल और इसके साथ मिक्स करके बना लूंगी, तो इतने बहुत है। और ये मैंने एक मिक्स दाल हमेशा लेती हूँ, इसमें राजमा के लिए ये मिक्स दाल है, ये मैं कई बार घर में खुद ही थोड़ी थोड़ी दालों में से निकाल के बना लेती हूँ, और ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ उनसे बनवा के ले आऊं। ये मैं आधा किलो लेके आती हूँ, और ये आराम से चार बार बन जाती है, और ये काफी टेस्टी होती है, इसको तड़का लगा के बनाओ तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। और सबसे ज्यादा मेरे घर यूज होती है जो है ये अरहर की दाल, अरहर की दाल, प्याज महंगे हो टमाटर महंगे हो तब भी ज्यादा यूज होती है, और वैसे भी हल्का खाना जैसे हम लोग रात को दाल चावल खाते हैं, तो ज्यादातर यही दाल मैं बनाती हूँ, और हमारे घर सभी ये दाल पसंद करते हैं, तो ये दाल काफी यूज होती है, तो इसको लिए मैंने 2 किलो। चीनी 5 किलो ली है, क्योंकि 3-3.5 किलो तो लगी जाती है, और 5 किलो एक साथ ले आओ तो जैसे नेक्स्ट टाइम थोड़ा लेट हो गए तो वो चल जाती है। और चना दाल नहीं ली है, क्योंकि अभी मेरे पास ये काफी पड़ी है, इसके अंदर मतलब आधा किलो तो पड़ी है, और अभी आधा किलो से ज्यादा और जो एक्स्ट्रा सामान जिसमें रखती हूँ उसमें पड़ी है। और साथ ही ये मेरे पास इतनी सारी क्यों है, क्योंकि हमारा राशन कार्ड है उसके साथ मुझे ये मिली थी इस बार, और 1.5 किलो या 2 किलो के समथिंग मिली थी, इतनी यूज नहीं हुई है तो मैंने ये ली नहीं है, ये अभी काफी चल जाएगी, तो जो चीज पड़ी है उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। और ये काले छोले जिसको हम भिगो के मतलब सब्जी तो खाते ही हैं, इसको भिगो के रख लेते हैं चाट बना के खाने के लिए, तो ये भी अभी मेरे पास दोनों को मिला लो तो आप आधा किलो होएंगे। और इस बार मुझे राशन की दुकान से 2 किलो मिले थे, राशन की दुकान इन द सेंस वही जो गवर्नमेंट की होती है राशन कार्ड से मिलती है, तो ये देखिए ये वाली काले छोले बहुत देसी है और बहुत टेस्टी बनते हैं इसके, तो मैंने इसको रख लिया सब्जी बनाने के लिए, और इसको रखा है अभी चाट वाट बनाने के लिए। तो ये अभी मैंने इसमें से एक बार बनाई है, मुश्किल से 250 ग्राम बनी है, और अभी ये 1.25 किलो के लगभग है, तो मैंने काले छोले भी नहीं खरीदे हैं। और मूंग की दाल ये देखिए, अभी थोड़ी सी माँ की दाल पड़ी है, मतलब 250 ग्राम से थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसमें से मैंने महाराज माँ की जब बनाई थी यूज कर ली थी। और ये देखिए, ये अभी मूंग की दाल मेरे लिए, इसमें 3 बार ना चाट बन सकती है आराम से, तो दाल नहीं खाते हैं हम लोग इसकी, चाट खाते हैं जो अंकुर निकाल के बनाई जाती है, तो 3 बार आराम से चल जाएगी,
और एक महीने में 3 बार बन जाएगी, तो इसको भी लेने की कोई जरूरत नहीं थी अभी मेरे लिए। ये उड़द की धुली हुई दाल है, जैसे खिचड़ी वगैरह बनानी होती है, तो ये थोड़ा टाइम पहले जब आया था राशन तो उसमें आ गई थी, तो ये भी मैंने लिए। साबुत वाली और ये धुली हुई दोनों अलग अलग यूज होती है, वो दालों में यूज होती है, ये खिचड़ी बनाने में या फिर पकौड़ियां वगैरह बनाने में यूज हो जाती है। और ये मटर है, सफेद मटर जिसे कहते हैं, वो है, ये भी 250 ग्राम है, और अभी जब थोड़ा टाइम पहले लेके आई थी मैं सामान, तभी लेके आई थी। इसको कुलचे के साथ यूज करते हैं, तो रात को भिगो दो और सुबह 1 सीटी में ये तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर कच्चे प्याज टमाटर डाल के चाट की तरह बन जाते हैं, आप चाहे एज अ चाट खा लो या फिर आप इसके साथ कुलचे नान कुछ भी लगा के खा सकते हैं। तो ये भी इस बार नहीं लेके आई हूं मैं, ये भी पड़े हैं। और दलिया पड़ा है, दलिया भी बहुत कम यूज होता है, मतलब 1 किलो दलिया चल जाता है 1 महीना, तो अभी ये आधा किलो पड़ा है, ये खत्म हो जाएगा फिर मंगवा लूंगी मैं। और ये देखिए इसमें थोड़ी सी मिक्स दाल है, जैसे थोड़ी थोड़ी सब बच जाती है ना, वो मिक्स करी हुई है, अब मैं इसे मिक्स दाल में डाल दूंगी। मिक्स वाली दाल इसमें थोड़ी सी डाल दूंगी ताकि एक टाइम बन जाए ये। और ये भी इस बार मेरे पास पड़ा था तो मैंने ये भी नहीं लिया, ये भी आराम से चल जाएगा। चाय पत्ती में लेके आई थी, वो मैंने पैकेट खोल दिया, 1 पैकेट लेके आई थी, 1 पैकेट इनफ है। हाँ, अभी दोबारा जब मैं जाऊंगी तो 1 पैकेट और ले आऊंगी, या पापा वगैरह जाएंगे तब आ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जरूर रखना पड़ता है। यहाँ पे पूरा 50 रुपए का मिलता है, वहां पे मुझे 45 रुपीज का पड़ता है, तो जो भी आएगा जाएगा ले आएगा। और इसके अंदर है सूजी, सूजी मेरे घर बहुत कम चलती है, मतलब आधा किलो सूजी 2-3 महीने निकल जाती है। चीले बनाने होते हैं और मीठा हम लोग बहुत कम खाते हैं, तो ये नवरात्रों के लगभग शायद से नहीं, हाँ नवरात्रों वाली खत्म हो गई थी, उसके बाद आई थी लॉकडाउन में, जब बोर हो रहे थे कि क्या खाएं क्या खाएं, तब ये चीले बना रहे थे, तो वही है। और ये 250 ग्राम है तो ये अभी चल जाएगी, इसलिए मैंने नहीं ली है, जो चीज पड़ी है वो नहीं ली है। और ये है, हम तो लाई बोलते हैं, वैसे राइस पफ बोलते हैं, तो ये इसकी भी काफी ज्यादा वो भेल वगैरह बनती है मेरे घर, तो ये चाहिए थी। ये 250 ग्राम लिए, वैसे मैं आधा किलो लेके आती हूँ, लेकिन अभी ना सिल जा रही है, एयर टाइट डब्बे में रखूंगी फिर भी सिल जाती है, तो 250 ग्राम लेके आई हूँ। और ये है चिड़वा, तो चिड़वा सर्दी हो या गर्मी काफी इस्तेमाल होता है, सर्दियों में तो चिड़वा मटर काफी ज्यादा यूज होता है, तो अभी गर्मियों में क्या है, इसे एज अ सिंपल पोहे की तरह मैं बना लेती हूँ, प्याज टमाटर का तड़का लगा के, और सर्दियों में चिड़वा मटर की तरह बना लेते हैं। तो ये 1 किलो लेके आई हूँ, 1 किलो लेके आई हूँ, और आधा किलो या आधा किलो से थोड़ा पहले का पड़ा है मेरे पास, और ये मेरे घर लग जाता है आराम से, 1.5 से 2 किलो लग जाता है। और ये है सेवई, इसको चाहे मीठी बनाओ चाहे नमकीन वाली बनाओ, ये मैं पहले नहीं बनाती थी, समझ लो आप 1 साल से इसे मैं बनाना शुरू करी, 1 साल से मैंने बनाना शुरू किया है, और ये सिर्फ छोटी वाली बेटी को छोड़ के सब घर में पसंद करते हैं, बड़ी बेटी, मैं और मेरे हस्बैंड, तो ये भी एक नाश्ते का अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो ये 1 किलो लेके आई हूँ, ये आराम से 8 बार 9 बार तो आराम से बन जाएंगे, मतलब 250 ग्राम में थोड़ी सी कम मेरी 1 बार में बनती है। ये मुझे 50 रुपए किलो पड़ी है, और यही जो पैकेट में आती है 10 रुपए का पैकेट होता है, तो वो मेरे को इनफ भी नहीं पड़ता है, और ये खुली में मेरे को वारा खाता है, तो मैं ये खुली वाली लेके आई हूँ, और वो 10 रुपए में मुश्किल से 50 या 100 ग्राम होता है, आई थिंक इससे ज्यादा नहीं होता है। सफेद छोले, काबुली छोले, ये भी 250 ग्राम, इसके नीचे पीसी लगी हुई है, मतलब अलसी, ये 250 ग्राम अभी पड़े हैं। जैसे कि मानसून की वजह से मैंने काफी राशन नहीं भरवाया था, कुछ ही लेके आई थी थोड़ा बहुत, तो उसमें तभी लेके आई थी। ये भी 250 ग्राम पड़े हैं, और ये भी ज्यादा नहीं बनता है, इसमें से भी सिर्फ मैं 1 मुट्ठी अलग से निकाल लूंगी और बाकी बना दूंगी पोड़ियों के साथ, या कभी जैसे बोर हो जाते हैं सब्जी या दालें खा के, उसके लिए होता है, तो ये आराम से चल जाएगा मेरा, इस महीने पूरा चल जाएगा। तो जो चीजें मुझे महीने में 1 बार ही बनानी है, तो वो मैं 250 ग्राम ही लेके आती हूँ, ताकि वो पूरी बन के खत्म हो जाए, और जो ज्यादा बनानी होती है तो उसे ज्यादा लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा राशन, और इसमें सिर्फ एक आपको बेसन नहीं दिखेगा, बेसन मेरे पास पड़ा है आधा किलो, लेकिन वो स्टोर वाले डब्बे में पड़ा है, छोटे वाले डब्बों में नहीं पड़ा, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई हूँ आपको। और
इसी तरीके से मेरी हर महीने की शॉपिंग होती है, जो अभी मेरे पास पिछला पड़ा है और वो अगली बार खत्म हो जाएगा तो वो आ जाएगा, और इस बार जो है इससे ज्यादा कुछ अगली बार आ जाएगा, तो जो बच जाता है हर किसी के घर में उसी हिसाब से चलता है कि जो बच गया है वो कितना लेके आना हर हाउसवाइफ को पता है। तो मैं अभी आम उन्हीं की तरह ही काम करती हूँ, हर हाउसवाइफ इसी तरीके से काम करती है कि जो चीज पड़ी है उसको कितनी लेके आनी है, ऐसा नहीं कि लेके ही नहीं आनी है, लेके कितनी आनी है उस हिसाब से लेके आना होता है। तेल हो गया, चावल हो गया, वो अभी नहीं है इसमें, क्योंकि तेल और चावल मैं अलग से ही लेती हूँ। तेल का मैं 5 लीटर की डब्बा ले लेती हूँ, और चावल एक ही साथ मेरे घर 10 किलो आ जाते हैं, तो जब चावल लेने जाते हैं हम तभी वो लेते हैं तेल लेते हैं। तेल मेरा 5 लीटर का डब्बा आराम से 2-2.5 महीने चल जाता है, तो बार बार इन सामानों के बीच में ना लाना पड़े इसलिए मैं एक बार ले आती हूँ। सब किसी की हर किसी की अपनी अपनी घर गृहस्थी होती है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, तो मेरी अपनी घर गृहस्थी है, मैंने इस तरीके से मैनेज किया है। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर करना। मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक बेल आती है उसको प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन मिले। और कुछ अगर आपने पूछना है या आपको कुछ कमेंट्स करना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, कोशिश करना अच्छे कमेंट्स करना, बुरे मत करना। हाँ, कुछ सजेशन वाले हो तो। बाकी मैं मिलूंगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दूंगी मैं कि इनको अपने डब्बों में किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि अभी डब्बे बहुत कम है, इसी में मुझे एडजस्ट करना है, और जब और डब्बे आ जाएंगे तो उस टाइम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करूंगी। तो फ्रेंड्स, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।